ताई, लगता है ये लड़की पे ना कोई चुड़ैल चढ़ी हुई है। हाँ। तुम्हें कैसे पता? ताई, हमारे में बोलते हैं कि कोई भी चुड़ैल ना किसी पे तभी चढ़ती है जब उसे अपनी अधूरी कहानी सुनानी हो। ओह रियली? इज इट सो? मतलब वो अपनी कहानी सुनाती कैसे है, बोलो। साहेब उल्टा, किसी भी शरीर पे जब वो कब्जा करती है ना तो उल्टा ही बोलती है, सीधा बोलती नहीं है। अब तक की वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि किसी ने शायद कोई मजाहिया वीडियो बनाई, लेकिन ये वीडियो हरगिज मजाहिया नहीं है। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी मौजूद हैं जिसमें हमें यकीनन गौर करना चाहिए। इस गाने को अलर्ट करने का आइडिया मुझे सदर ओबामा की उस तकरीर से मिला जिसमें उसने यस वी कैन की गर्दान की है। बार बार वो कह रहा है यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। और जब इस जुमले को उल्टा किया गया तो उलट करने के बाद जुमला बना थैंक यू शैतान, थैंक यू सेटन, क्योंकि ये सारे बड़े लोग मादा परस्त शैतान की पूजा करने वाले शैतान के पुजारी हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस गाने की शोहरत ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। और आप सबसे भी गुजारिश करता हूं, इसकी लैंग्वेज पे ज़रा गौर कीजिए। मुझे तो कई जगह इसके अंदर शैतान शैतान सुनने में आया है। अगर आप गौर करें हो सकता है कोई ये लैंग्वेज समझ भी पाए। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कोई यूरोपी या कोई पुरानी ज़बान इसके अंदर बोली जा रही है। ये एंजल एंजल, ये क्या है ये एंजल? बहुत से लोग शैतान को, इबलीस को फरिश्ता मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं और उसको बरगजीदा भी मानते हैं, उसको बरगजीदा मानते हुए उसकी इबादत करते हैं। और इसका दूसरा गाना आई टू आई, व्हाट इज़ दिस आई टू आई, और उसने जगह जगह एक आंख दिखाई है, एक आंख। और इस एंजल गाने के अंदर भी जो औरत मॉडल के तौर पे पेश की है ये उसने एक आंख दिखाई है, और ये वही आंख है। अगर आप गौर करें तो मिस्र के लोग इसकी पूजा किया करते थे। ये सारा सिलसिला जो है मिस्र से ताल्लुक़ रखता है। म्यूज़िक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मिस्र से है। मिसाल के तौर पे टैबिंग का जो डांस है जो माइकल जैक्सन ने भी किया है, और मिस्र के ऊपर उसने एक गाना बनाया था डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन वी फेल इन लव। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर मिल जाएंगी। और अचानक इस गाने को शोहरत मिलने से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यकीनन ये भी कोई सहूनी साजिश है जिसके तहत हमें गैर महसूस तरीके से शैतान की पूजा की दावत दी जा रही है, और गैर महसूस तरीके से इन चीज़ों को सुनने से जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सर्किट्स डिवेलप होते हैं वो यकीनन शैतानी अफकार ही रखते होंगे। क्योंकि साउंड जो है डायरेक्टली आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। साउंड वो चीज़ है जो डायरेक्ट आपके ब्रेन में जाती है, जैसे कि खुशबू होती है या बदबू होती है, और डायरेक्ट आपके दिमाग की शरियानों को और दिमाग के सर्किट्स को चेंज करता है जाके। म्यूज़िक प्रैक्टिस करने वाले बच्चे का दिमाग आम बच्चे से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और म्यूज़िक को ही इबलीस ने अपना हथियार बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इबलीस के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं।
मिसाल के तौर पे ये पैसा, ये मादा और ये सब कुछ, ख़ास तौर पे ये डॉलर का बिल, इट इज़ नॉट अ करेंसी, इट्स जस्ट अ बिल, इट्स जस्ट अ मेमोरेंडम और एक वादा है सिर्फ, कुछ भी नहीं है, कागज़ से ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल आप वीडियो देखें और अगर आपको इसमें से कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जो काबिल एतराज़ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। Thank you.